सो व्हाट्सएप एवरीडी के सब आज की समय बात करने वाले आप सभी को जो न्यूज़ स्केड्यूल आने वाला है वो कब आने वाला है और क्या आपका ये जो ओपन लर्निंग यार ये ओपन है लॉकिंग ऑफ द ओपन वीडियो ये क्या चीज़ है, काफ़ी बच्चों के यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेट के यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले तो आपका अभी तक कोई भी न्यू स्केड्यूल नहीं आया है, ना ही आपका डिप्लोमा वालों के लिए और ना ही आपका यूजी वालों के लिए और ना ही आपका पीजी वालों के लिए। जो डेट एक्सटेंड हुई थी यार 27 तारीख तक वो ये वाली डेट थी, मैं पहले ही बता दूँ। जो 24 तारीख तक की आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस मतलब फीस भरने की जो डेट थी वो 24 तारीख एक्सटेंड हुई थी, ना कि आपकी ये वाली आपकी हुई थी जून 15 वाली जो लास्ट डेट थी वो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, ये वाली आपकी जो सीट्स थी डेट्स थी वो बढ़ी हुई है। यहाँ पे मैं आगे की तरफ चलूँ तो आपको ये था प्रेफरेंस लॉकिंग विंडो ओपनिंग, ठीक है। मतलब कि आपका यार देखो यहाँ पे प्रेफरेंस लॉकिंग का मतलब क्या है, जो आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको अंबेडकर चाहिए या पूषा चाहिए या फिर आपको JNDIT चाहिए, मतलब गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ जो DSU रोहिणी कैंपस है, ये तीन तरीके के मुझे कैंपसेस चाहिए और इसमें मुझे चाहिए आपका CS ब्रांच मान लो, ठीक है। तो CS ब्रांच के लिए ये तीन आपके कॉलेज थे, तो इन तीनों कॉलेज के आपकी जो लास्ट डेट थी मतलब ये ओपनिंग कब होगा ये विंडो अलग से आपकी ये चीज़ थी इसमें, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थी वो फीस भरने की डेट थी, ठीक है, ये जो थी यार डेट वो फीस भरने की डेट थी। एंड यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे ये प्रेफरेंस लॉकिंग कर दिया तो वेल एंड गुड, आपका फाइनल सबमिट आपने प्रिंट निकाल लिया है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड बात, जिसने फाइनल प्रिंट नहीं निकाला है सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस भरी है ये वाली, एंड वो जो कि आप 27 तारीख तक हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो 27 तारीख तक, उसके बाद जो है ये चीज़ के लिए आपको 2 दिन फिर वेट करना पड़ेगा। मतलब कि जिसने कर दिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं करा उनके लास्ट डेट ये थी, ठीक है। मतलब मान लो फीस जैसे आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में होता क्या है, फीस डेट अलग होती है और लास्ट आपके एप्लीकेशन में चेंजेस वगैरह करने की लास्ट डेट अलग होती है, तो सेम इसी प्रकार से यही है, फीस भरने की डेट जो वो अलग है और लास्ट विंडो क्लोजिंग करने का वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट आने वाला था वो 21 तारीख को आने वाला था, अब 21 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा, वो आएगा 4 या 5 तारीख के आसपास जुलाई में, आपके फर्स्ट वीक आपके मान के चलो, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये डेट एक्सटेंड हुआ है तो उस हिसाब से ये वाली जो डेट है वो भी एक्सटेंड होने को बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जब आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा, भैया रिजल्ट कहां आएगा, काफी बच्चों का ये भी डाउट था, रिजल्ट यार आपके डैशबोर्ड में ही आएगा, जब आप साइन इन लॉग इन कर लोगे आपके डैशबोर्ड में ही शो हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है और ये वाला आपको ब्रांच मिला है, ठीक है। आपको इस सिंपल सी चीज वहां पे लिखी होगी, देन आपको फीस भरनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। फीस भरने के बाद आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होगी वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपकी प्रीवियस वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। देन आपका सीट वहाँ पे आओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद, फिर आपका यहाँ पे सीट फ्रीज हो जाएगा, सीट फ्रीजिंग करने का आपका रहेगा। सीट फ्रीज और फ्लोट का क्या है, फ्रीजिंग का मतलब है कि हमें सीट पसंद आ गई है और फ्लोट का मतलब है कि हम आगे और ट्राई करना चाहते हैं। याद रखना जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में मिल गया है वो सेकेंड राउंड भी ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें वेरिफिकेशन जाके ज़रूर करवा लेना, देन जाके आप सेकेंड राउंड के लिए आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हैं कि भाई हमें फर्स्ट राउंड में अगर मिल गया तो सेकेंड राउंड हम ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर यार वो कर सकते थे, इस साल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, इस साल भी मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। तब तक ज़्यादा बैठे क्या कोई और डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मत बोला, और 8800341992 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शांत फल जय हिंद दोस्तों।